हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। हाउ टू मेक मनी इन रिटेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस में पैसा कैसे कमाया जाए और बिना पैसे को इन्वेस्ट करें। हमारे पास पैसा नहीं है पैसा लगाने के लिए, लेकिन हम पैसा कमा सकते हैं। हमारे पास कैपेसिटी है, फिजिकल फिटनेस है, हम मेहनत कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बिजनेस शुरू करने के लिए हमारे पास कैपिटल नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बिजनेस होते हैं जो बिना कैपिटल के भी किए जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बिजनेस के लिए कैपिटल की ज़रूरत हो। उसी में से एक बिजनेस मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम एक रिटेल बिजनेस करना चाहते हैं। रिटेल मीन्स जो हमारे आसपास की शॉप, कॉलोनी की शॉप, मोहल्ले की शॉप्स होती हैं, वहाँ जो दुकानें, सपोज़ मैं उदाहरण लेता हूँ एक किराने मर्चेंट का, किराना मर्चेंट की जो शॉप्स होती हैं छोटी, हर कॉलोनी में होती है, हर गली में होती है, वहाँ पर हम जाते हैं। वो कहाँ कहाँ से क्या क्या उन सामानों की रिक्वायरमेंट है हम उनसे पता करते हैं, क्या क्या उनकी डिमांड है, क्या क्या उन्हें सामान चाहिए वो हम पता करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं होलसेलर के पास। हर प्रोडक्ट का अपना एक होलसेलर होता है। सपोज़ काजू का अलग होता है, दूसरे प्रोडक्ट का अलग होता है, दाल का अलग होता है, आटा का अलग होता है, शक्कर का अलग होता है। हर प्रोडक्ट का अपना अपना एक अलग अलग होलसेलर हुआ करता है। वहाँ पर हम जाते हैं, उनसे होलसेलिंग के भाव पे बात करते हैं कि भाई हम आपका माल बेचना चाहते हैं, हम आपका माल इकट्ठा लेके बेचना चाहते हैं। पहले हम रिटेलर से रेट लेते हैं कि वो कितने कॉस्ट में माल खरीदता है, ये कितने कॉस्ट में माल खरीदता है। सपोज़ उसने कहा ये चीज़ मैं 10 रुपये में खरीदता हूँ, ये चीज़ मैं 10 रुपये में खरीदता हूँ, वही चीज़ होलसेलर से अगर हमें 8 रुपये में मिलती है तो हम 8 रुपये में होलसेलर से लेके वो 10 रुपये में उसको उसकी दुकान तक पहुँचा देते हैं। 8 रुपये में होलसेलर से लेके 10 रुपये में रिटेलर तक उसकी दुकान तक पहुंचा देते हैं। रिटेलर का जब काफ़ी समय बचेगा, उसको चीज़ अपने पास ही मिल जाएगी, उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा उसको लेने के लिए, तो वो इजीली आपसे जुड़ जाएगा। तो होलसेलर से माल लेके रिटेलर को देना, ये एक बिना पैसे में शुरू हो सकता है बिजनेस। होलसेलर से क्रेडिट पे माल लिया, रिटेलर को दिया, रिटेलर से पैसे लिए, होलसेलर को दिए। इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ एक फिजिकली मेहनत की ज़रूरत है। और कुछ समय बाद क्या होता है कि जब आपके कॉन्टैक्ट बन जाते हैं, 50-100-200 रिटेलर्स हैं जिनकी शॉप से, जब आपके उनसे कॉन्टैक्ट बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास डिमांड आने लगती है। सिर्फ उनके फ़ोन आने लगते हैं, हमें ये इतना चाहिए, ये हमें इतना चाहिए। हम सिर्फ उसकी डिमांड नोट करते हैं, डायरेक्ट होलसेलर से लेके उसके पास वो पहुंचा देते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं होलसेलर उसी शहर में हो, कहीं बाहर से जहां और सस्ते में मिल सकता है हम वहां से भी ले सकते हैं, वहां से भी लेके उसको हम यहां पर सप्लाई कर सकते हैं। तो होलसेलर से लेके रिटेलर को देना एक बिना इन्वेस्टमेंट में शुरू करने वाला बिजनेस है। अगर ये बिजनेस चल जाता है तो इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट की संभावना है, ये बिजनेस काफ़ी बड़े पैमाने तक जा सकता है। थैंक यू।